ऑडियो आ रही है सबको? ऑडियो आ रही है सबको? ऑडियो ऑडियो क्लियर है? ऑडियो सबको क्लियर है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग आदित्य। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सबको। बस जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पस से है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके पास पूछे जाएंगे, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? उन्हीं टॉपिक को देखा जाएगा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको हमको ज्यादा फोकस करना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं पर, जो आए उनके साथ। चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर पहला आपको फंडामेंटल याद रखना है, क्या क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस पे हमको फोकस करना है। तो सबसे पहला जो आपके पास है वो है कूलम्स लॉ, ठीक है? या अभी उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया जाए, है ना, और ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया था, दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो ग्लास रॉड होता है उसको, ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया जाता है? ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, ठीक है? तो ग्लास रॉड पे कैसा कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव, ठीक है? सिमिलरली अगर हम बात करें, एक और पूछा जाता है इबोनाइट रॉड को, ठीक है? इबोनाइट रॉड को किसके साथ रब किया गया? इबोनाइट रॉड को किसके साथ रब किया गया? तो ये होता है कैट स्किन और फर, इनके साथ रब किया जाता है। तो इबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आता है और कैट स्किन या फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत आपके पास एग्जाम में ये दोनों आए हैं, किसके साथ इनको रब किया जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बनेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्यू इज इक्वल टू होता है एन इन टू ई, इट मीन्स चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है? चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है? आपके पास फोर्थ आपके पास कहानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कूलम्स लॉ पे एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, कि अगर दो चार्जेस रखे गए हैं तो तीसरा चार्ज कहाँ रख दे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता था वो हम लोग सीख लेते हैं, बेसिक चीज। कूलम्स लॉ कहता था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच में फोर्स लगता था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जैसे इन दोनों को कंबाइन करते तो आपके पास आता था Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस फॉर्मूला याद रखना। एफ इज इक्वल टू आता था कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और के को तोड़ेंगे तो आपके पास मिलेगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बस याद रखना है, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। ये पूरी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कैसे आया बस दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है? दूसरा एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ को जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो शायद हम लोग को याद होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? कूलम्स लॉ को
वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये हमारे पास सपोज करिएगा दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। कूलम्स लॉ ये कहता था ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, F12 इज इक्वल टू F21, ठीक है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लगाए। ये भाई साहब अगर इन पे फोर्स लगा रहे होंगे तो दूसरा वाला चार्ज इनके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बट बोथ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बताता है कि दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं बट बोथ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यस, हाँ, कोई डाउट किसी को पूछना है यहां तक? अभी तक इसका एक लिमिटेशन था, याद रखिएगा कूलम्स लॉ कहां कहां एप्लीकेबल होगा। कूलम्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, पहला याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस के बीच में ही फोर्स लगेगा वहीं पे कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। दूसरा, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, कूलम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्ज रेस्ट में होगा। तो पूछा जाता दो लिमिटेशन, ठीक है, टू लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक। तो हमारे पास कुछ एक एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, फटाफट थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया गया था, ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से इबोनाइट रॉड को रब किया गया था कैट स्किन के साथ या फर के साथ, तो इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज, कैट स्किन या फर पर पॉजिटिव चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यू कैन ऑल्सो से दैट चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बताता है, आप यही कहेंगे कि दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं बट बोथ फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन बता दीजिए, तो आप बता देंगे दो लिमिटेशन है ना, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, और यू कैन ऑल्सो से दैट कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। अब एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है, वो है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक नंबर का बनने का चांस है। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू, आप लोग शायद पढ़े हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूले पे तो कभी नहीं आएगा, ये आता जरूर है एफ नॉट अपॉन में एफ एम। एफ नॉट क्या है, दो चार्ज अगर रखे गए हैं Q1 Q2, इनके बीच में अभी कौन सा मीडियम है, एयर है, तो जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एफ नॉट। अब इन्हीं को उठा करके ये पूरी सिस्टम थी यहां पर ला दिया और इनके बीच में एयर के बजाय हम कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम रख दिए, ठीक है, कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम रख दिए, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलते हैं एफ। डायलैक्ट्रिक मीडियम का मतलब कोई नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल, पेपर रख दिया, माइका रख दिया, कुछ ऐसा चीज रख देते हैं, मान लो ये हमने पेपर रख दिया सॉलिड, एक इस तरीके से मैंने एक पेपर रख दिया दो चार्जेस के बीच में, तो ये एक डायलैक्ट्रिक का काम करेगा, तो इनका फोर्स चेंज हो जाता, कम हो जाता। अब कभी कभी आता है कितना कम हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपको देकर जाएगा कन्फर्म, है ना, कि अगर दो चार्जेस हैं एयर में रखे गए हैं, इनमें फोर्स लग रहा है आपके पास 6 न्यूटन का, ठीक है, जब एयर में रखे गए थे तो, और बोल रहा है कि उसके बीच में एक डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं 6 है, तो पूछेगा उस मीडियम जब उसके अंदर बीच में डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तो नया फोर्स कितना लगेगा वो बताइए, मतलब एफएम कितना लगेगा वो बताइए, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट अपॉन में एफएम। तो के की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है कितना है 6, एफ नॉट की वैल्यू आपके पास 6 अपॉन में एफएम निकालना है, तो एफएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफएम की वैल्यू हो जाएगी 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे, सैंपल पेपर भी दिखाते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। हमारे पास अभी कुछ लेटेस्ट सैंपल पेपर का मैंने स्कैन किया है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा आपको जो परेशान करता है वो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन।
है ना। तो 1 मार्क्स में छोटे 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 टर्म्स को याद रखिएगा। अब कभी कभी ये भी पूछ देगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि चार्ज की डायमेंशन क्या हो, तो आपको करंट याद रखना पड़ेगा। पहले 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज देखो, एक डायमेंशन पे क्वेश्चन लगभग तय है, एक कंफर्म डायमेंशन आने का चांस है, किसी ना किसी का डायमेंशन जरूर पूछेगा। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आप याद रखिएगा। पहला होता है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है एल। दूसरा होता है जो हमें जरूरत है उसकी हम यूज करो, ठीक है। दूसरा होता है मेरे पास मास, मास का डायमेंशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम। तीसरा होता है टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है टी। चौथा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है केल्विन के। पांचवा आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है बच्चों आपके पास ए। छठवां होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका डायमेंशन होता है आपके पास एम ओ एल मोल। सेवेंथ आपके पास आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका डायमेंशन होता है कैंडेला सीडी, ठीक है। ये इतना याद रहा तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, छोटे छोटे अभी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे बोले करंट, करंट का डायमेंशन मुझे पता है ए होता है, तो मैंने लिख लिया सिंपल सा ए। दूसरा अगर हम बात करें चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू होता आई इन टू टी, आई का हो गया आपके पास डायमेंशन ए और टी का हो गया टाइम है तो टी ए टी। तीसरा हो गया आपके पास बेसिक, याद रखिएगा फोर्स का डायमेंशन, पहले फोर्स का डायमेंशन बहुत यूज होता है, ये होता है एम एल टी माइनस टू, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे हम बात करें आपके पास नेक्स्ट हम बात कर ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू मतलब वर्क डन, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्यू। फोर्स का डायमेंशन कितना होगा बच्चों, ऊपर हमको दिख रहा है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा एल, और नीचे क्यू है, क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज का डायमेंशन नीचे हम लोगों ने लिखा था क्या ए टी। सॉल्व कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या मिल गया, मिल गया आपके पास एम की पावर वन, एल की पावर यहां भी वन है यहां भी वन है तो हो जाएगा एल की पावर टू, टी की पावर यहां माइनस टू है और यहां पर वन है, ऊपर जाके माइनस वन और हो जाएगा तो टी की पावर क्या मिल गया माइनस थ्री, और ए नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या हो गया इनवर्स, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात कर ले, छोटे छोटे पहले डायमेंशन सीख लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अब इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, सर बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा है सी इंटू वी, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई वी। तो क्यू का डायमेंशन ऊपर हम लोगों ने निकाला था क्या था ए टी, और नीचे वी, वी का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला, नीचे देखो क्या आया हुआ है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सॉल्व कर लेंगे तो m की पावर यहां 1 है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस वन, एल केवल यही दिख रहा है तो l की पावर हो जाएगा नीचे 2 है, ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस टू। टी की पावर देखो यहां माइनस थ्री दिख रहा है, ऊपर 1 दिख रहा है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 4, ठीक है। अब a का देखते हैं, a की पावर माइनस वन है, ऊपर जाके एक और a मिला तो a की पावर क्या हो गया आपके पास 2। सिमिलरली अब मैं बोलूं फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, अब इसके बाद अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसी तरीके से आप रेजिस्टिविटी का निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप, हाँ एक और पूछता है बहुत बहुत ज्यादा पूछता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, ठीक है क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ई इज इक्वल टू होता है बच्चों एफ बाई क्यू, ई इज इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू। एफ का डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, क्यू का क्या हो गया ए टी, अभी हमने बताया ऊपर देखिए। चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशन हो गया ए इंटू टी, बस रख कर सॉल्व कर लिया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन, ठीक है समझ आ रही है यस नो आ रही है, रिप्लाई करिए आप लोग इसको, जिसको समझ में आ रही है रिप्लाई करिए यस नो बताते चलिए, कम से कम दिखेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो।
क्लियर? और वेरी गुड। सिर्फ अभी एक ही बच्चा लाइव है, लाइव तो बहुत है, रिप्लाई सबका आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने डायमेंशन देख लिया। अब एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक नंबर में ऐसा तो आएगा नहीं, क्योंकि एक नंबर का रिटर्न नहीं आ रहा है, एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव ही है। दो नंबर में रिटर्न में आ सकता है कि कैसे प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा है। तो अब दो तरीके से बता सकते हैं, दो नंबर में आ रहा था दो नंबर जैसा आंसर दे दीजिए। बताइएगा, किसी पेपर को लिया और पेन को रख दिया हेयर पे और दोनों को एक दूसरे के पास लाया और हाथ हटा दिया, तो जो फोर्स स्ट्रांग होगा वो अपने तरफ खींच लेगा। तो हम क्या पाते हैं कि भाई जैसे ही मैंने एक पेन को रब किया हेयर पर या कॉम को रब किया हेयर पर और कुछ पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, तो हम जैसे ही हाथ हटाते हैं तो देखते हैं पीस ऑफ पेपर इस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांगर होता तो ये पेपर नीचे गिर गया होता, तो किसके तरफ अट्रैक्ट हो गया? कॉम की तरफ। तो हम बोल देंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। फटाफट याद रखिएगा। हाँ, अब इसका नोट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखो, यहां से एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। थोड़ी देर बाद एक और फॉर्मूला दिखाई देगा, ई इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे जिनको याद होगा। तो अब यहां से भी आता है, पहचानिए ये किसकी एसआई यूनिट है। जैसे यहां पर लिखा होगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ऐसे दे दे, और बोलेगा आइडेंटिफाई ये इस किस फिजिकल क्वांटिटी की ये एसआई यूनिट है। तो आप बताएंगे किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला एक और इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिए, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r2। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यही यूज होगा वेरी इंपॉर्टेंट एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला याद रख लेते हैं, फिर से एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं, सब कुछ भूलना नहीं है। ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया गया, सिल्क क्लॉथ के साथ। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से इबोनाइट रॉड को किसके साथ रब किया गया, इबोनाइट रॉड को कैट स्किन या फर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैट स्किन या फर के साथ रब किया गया, तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज और फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद रखिएगा, फॉर्मूला काम आएगा। कूलम्स लॉ फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बताता है, दो चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बट बोथ फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कूलम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है, कूलम्स लॉ की दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। पहला, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, है ना। ये देखो, ये एयर था, एयर में जो फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे मीडियम में जो फोर्स लग रहा हो उसके, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दे दिया, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। फिर कुछ बेसिक्स आपको डायमेंशन याद रखने पड़ेंगे, ये डायमेंशन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये तीन चार याद हो गया ना, निकालने का तरीका आपको पता चल गया, जैसे मैंने बताया है वो याद हो गया तरीका, तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन, कोई भी कितना टफ से टफ आए आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए, फिर इसके बाद हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इसकी दो दो एसआई यूनिट होती है, पहचानना आपको पड़ेगा।
अगर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, एफ बाई क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम, अगर माइनस डीवी बाई डीएल तो वोल्ट पर मीटर। और ये फॉर्मूले से ही सारा डेरिवेशन होगा, जो भी डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे गॉस थ्योरम में लगाएंगे तो ज्यादातर आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी बोलते हैं, शायद याद होगा आप लोग, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी बोला जाता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब याद रखना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन, फील्ड लाइंस की क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। मतलब देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव तो गया, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है क्या? नो, ऐसा नहीं आता, क्लोज लूप नहीं बना। लूप का मतलब होता है जहां से चले वापस वहीं आ जाए, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव जाकर नेगेटिव पे खत्म, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट दिखाई देगा, ये दो टेंजेंट। ये दो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ये डायरेक्शन बताएगा, दूसरा ये बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। दूसरा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। चौथा, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड वाला तो हो ही गया, और ये भी हो गया। नेक्स्ट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होगा, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एकदम नॉर्मल होगी, ऐसे ऐसे नॉर्मल होगी हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट क्या बताता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं रखना, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, और क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। ये तीन प्रॉपर्टी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, क्यों होता है नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम दिखाएंगे, जब इक्वल पोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे तो। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो क्यों नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाता तो क्लोज लूप तो फॉर्म ही नहीं हुआ, इसी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, पहला आएगा कि आप किसका फील्ड लाइंस बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि आप क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, पहचानिए कौन सा फील्ड है। क्यू इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब जो चार्ज है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है इसका मतलब कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कैसी जाएगी, दूर, क्योंकि हमने पढ़ा है पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर, ऐसे निकलेगा, ऐसे पॉजिटिव से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर यही दे दें, सेकेंड पॉइंट, क्यू इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब ये चार्ज कैसा होगा, ये चार्ज होगा निगेटिव, निगेटिव चार्ज है तो हम लोग जानते हैं निगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस ऐसे आती है, निगेटिव की तरफ आएगी फील्ड लाइंस, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, निगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आएगी, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस आएगी आपके पास निगेटिव की तरफ। तीसरी कहानी आपके पास पूछ दे, थर्ड वन, कि क्यू वन क्यू टू दो चार्ज है ग्रेटर देन जीरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेटर देन जीरो का मतलब दो चार्ज का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है, दो चार्ज का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है, इसका मतलब जीरो से बड़ा का मतलब, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब हो सकता है, मान लो इसमें दो केस हो सकता है ए एंड बी।
अगर हम Q1 की वैल्यू भी पॉजिटिव ले लें और Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव ले लें, है ना, दो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या है, जीरो से बड़ा। इसका मतलब ऐसा बना लो फिगर, एक ये चार्ज हो गया एक ये चार्ज हो गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में क्या करना, एक लाइन ड्रॉ कर लेना इनके बीचों बीच में, ऐसे डॉटेड लाइन कर लेना, ठीक है। अब यहां से फील्ड लाइंस निकालना और इसके पैरेलल लेके चले जाना, पहला फील्ड लाइंस पॉजिटिव से दूर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज यहां से भी पॉजिटिव से दूर, ऐसे दूसरा ऐसा हो सकता है। पहला तो ये फिगर बन गया, दूसरा ये हो सकता है Q1 भी निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, है ना, Q1 भी निगेटिव और Q2 भी निगेटिव हो, दो निगेटिव चार्ज को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर देखो Q1 भी अगर निगेटिव हो जाए, दो Q2 भी निगेटिव हो, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब आप इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप फ्री हैं। मतलब दोनों चार्ज को आप ले लो, नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, फिर से बीच में क्या करेंगे आप, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक। अब बनाएंगे चार्ज कैसे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आएगी, ऐसे नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आएंगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आएंगी, नेगेटिव है तो उसके तरफ फील्ड लाइंस आएंगी, ऐसे ऐसे बना लेंगे आप, ऐसे आपके पास हो गया, ठीक है। तो इसके दोनों में से कोई भी केस आप बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं ये भी बना सकते हैं, सिंपली। ऐसा नहीं कि दोनों आपको बना के दिखाना है, कोई एक बना दीजिएगा काम बन जाएगा। थर्ड केस अगर बोल दे इसमें, नेक्स्ट केस, फोर्थ केस, कि Q1 Q2 इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होगा जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब होगा नेगेटिव, मान लेते हैं। और नेगेटिव कब होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, मतलब या तो Q1 नेगेटिव हो जाए तो Q2 पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस में क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां दो प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनका आपके पास फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, किसी को भी आप नेगेटिव ले सकते हैं, Q1 को या Q2 को, तो मान लेते ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका फील्ड लाइंस तो बहुत आसान है, पॉजिटिव से गया नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से गया नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से गया नेगेटिव की तरफ, इंटरसेक्ट मत करा दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, कहेगा देखो ये लड़का, इसका तो काटो जहां मिले नंबर काटो, 70 पहुंचेंगे ना तो फिर कटौनी स्टार्ट हो जाती है, 70 छोड़े 65 और प्लस जाते ना तो एग्जामिनर खोजने लगता आपकी कमियों, तो हमको कमी देना ही नहीं है, काटेगा ही नहीं, कहीं से बच जाएंगे हम लोग। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया, एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस नो, वेरी गुड। आयुष राय, अभिनव राय, वेरी गुड। आदित्य चौहान, अमृता यादव, आर्यन वर्मा, वेरी गुड, शाबाश। चलो तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम लोग थोड़ा सा और बात आगे कर लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब एक प्लस क्यू हो जाए और एक माइनस क्यू हो जाए, इनके बीच में कुछ ना कुछ छोटा सा डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम 2a बोल सकते हैं या 2l ले सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायपोल। डायपोल नाम से पता चला, डायपोल दो पोल होने चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव होने चाहिए, और इनके बीच में सेपरेशन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तभी इसको हम डायपोल कहेंगे, ठीक है। जैसे HCl आप लोग नाम सुना है, HCl को तोड़ते तो मिलता है H प्लस Cl माइनस, ये डायपोल है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक ही निगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं डायपोल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, क्या है, डायपोल मोमेंट, ये याद रखना है, ये आता है 200% ये आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी,
पी इज इक्वल टू होता है 2a इंटू क्यू, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। 2a इंटू क्यू का मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक चार्ज को उठा लो, चाहे पॉजिटिव को या नेगेटिव को, उनके मॉड को लेते हैं। मॉड का मतलब पॉजिटिव चार्ज का भी मॉड निकालोगे तो क्यू मिल जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का भी मॉड ले लोगे तो क्या मिलेगा, क्यू मिल जाएगा। तो मॉड लेने को बोलते हैं मैग्नीच्यूड, क्या बोलते हैं, मैग्नीच्यूड। तो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीच्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस में से किसी भी चार्ज का मैग्नीच्यूड ले लिया गया है। तो मैग्नीच्यूड ले लोगे तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। पूछा जाता है ये कौन सी क्वांटिटी है, तो दिख रहा है भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आता है, यही चीज आता है इसका नोट वाला, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये भी पूछा जाता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो हमको दिख रहा है ये हो गया कूलम, और डिस्टेंस है तो क्या होगा मीटर, इसकी एसआई यूनिट हो गई कूलम मीटर। तीसरी पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, याद हो गया यहां तक, यस नो, यस नो हो गया, वेरी गुड। इसमें एक क्वेश्चन आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ट्रक होता है इनफ्लेमेबल मटेरियल लेकर के जा रहा होता है, जैसे आपने देखा हो ना इंडियन ऑयल ऐसा कुछ लेकर के जाते, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, वो ट्रक्स क्या होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो अर्थ के साथ, जैसे ये ट्रक आपके पास हो गया, ट्रक हो गया आपके पास इनफ्लेमेबल मटेरियल, मान लो ये ट्रक है, ये भाई साहब ट्रक है, लो मैंने ट्रक भी बना दिया खेल खेल में, ये देखो ट्रक है, आगे भी एक चक्का लगा देते हैं, ठीक है। तो इनका एक पोर्शन जो होता है बच्चों, बॉडी का कोई पोर्शन जरूर होगा जो अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट में होता है, ये मान लो आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास क्या है, ये ग्राउंड है, ये अर्थ के कॉन्टेक्ट में होता है, क्यों होता है सर, क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई अर्थ का मतलब जो हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल लेकर के जा रहा है कोई ट्रक, तो उसका एक पोर्शन या कोई भी चीज मेटलिक वायर से अर्थ में क्यों कनेक्ट किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस वजह से किया जाता है क्योंकि यहां एयर चलता है, एयर के फ्रिक्शन के वजह से ये पूरी की पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, और जैसे ही कोई अपोजिट चार्ज मिलेगा यहां स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग अगर थोड़ी सी भी हुई, और ये हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल, हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब होता है एक छोटी सी चिंगारी इसमें पूरे के पूरे तरीके से आग लगा सकती है, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया, अर्थिंग कर दिया गया, कि जो भी चार्ज ये बॉडी चार्ज हो रही है वो कहां चला जाए, सीधा अर्थ में चला जाए, इसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड भी बोले थे एक जब पढ़ाए थे, तो कंडक्शन मेथड में क्या किया था, इसी कंडक्टर को वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो कर गया, फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर गया, और इसमें कोई चार्ज नहीं रहा, ये आराम से चलता रहा। देखा होगा हाईवे पे ये बहुत तेज दौड़ा दौड़ा के चलते हैं, क्यों चलते हैं, रीजन यही है, ठीक है। और नहीं कनेक्ट रहेगा तो प्रॉब्लम है, आग लगने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आया, यस नो, लाइव चलेगा बच्चे 7:30 बजे से। मिस्टर अविनेश कौन है भाई, अविनेश जी, हाँ 7:30 बजे से, ठीक है, डेली चलेगा, आधा घंटा एक घंटा जो भी चलना हो चलेगा, आज इतना ही रहने देते हैं, कल से हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन हम करा के दिखा देंगे, कैसे आता है, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, सब कुछ कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग वही शाम 7:30 बजे, एग्जैक्ट 7:30 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग समय बने रहिएगा, ठीक है बच्चों, चलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, अच्छा लगा आप लोग मिले।